क्या आपको किडनी में स्टोन है या किडनी में होने वाली पथरी से आप परेशान हैं और आप अपनी पथरी को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे जूसों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी किडनी में होने वाली पथरी से निजात पा पाओगे। नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला सिंह, आप सभी का स्वागत है। जब लोगों को किडनी में पथरी की शिकायत रहती है तो लोगों के पीठ के पिछले हिस्से में या साइड में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है और उस दर्द से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो किसी न किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे इस हिस्से में दर्द हो रहा है और बहुत असहनीय दर्द हो रहा है। और जब उनकी सोनोग्राफी डॉक्टर्स करवाते हैं तो उसमें ये आता है कि आपकी किडनी के अंदर पथरी है और उस पथरी को दूर करने के लिए डॉक्टर्स भी कुछ दवाई देते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपकी किडनी के अंदर यदि पथरी की शिकायत है और पथरी 6 mm की है या 5 mm की है, 4 mm की है, किसी भी mm की अगर आपको पथरी है और उस पथरी को आप बाहर निकालना चाहते हो, तो एक आसान से आपको 3 जूस बता रही हूँ मैं आपको। उन जूसों का यदि आप अल्टरनेट भी प्रयोग करेंगे कि एक दिन आपने ये प्रयोग कर लिया, दूसरे दिन आपने दूसरे जूस का प्रयोग कर लिया, तीसरे दिन किसी अन्य जूस का प्रयोग कर लिया, या अल्टरनेट इसका प्रयोग करेंगे, तो भी आपकी किडनी में होने वाली जो पथरी है वो आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन से 3 जूस हैं जिनसे हमारी पथरी बाहर निकल सकती है। सबसे पहला जूस है पत्थर चट्टे का जूस। पत्थर चट्टे का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। बाबा रामदेव जी भी इस पत्थर चट्टे के जूस के बारे में अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि किडनी की पथरी को आसानी से इस जूस के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। वैसे तो पत्थर चट्टा अक्सर घरों में देखने को ज़रूर मिल जाता है, लेकिन यदि आपके घर पर नहीं हो तो आप नर्सरी से ज़रूर परचेज करके ले आइए और पत्थर चट्टे का जो पौधा है आप अपने घर पर ज़रूर लगाइए। पत्थर चट्टे का जो जूस होता है उसका प्रयोग करने के लिए आप 2 से 3 पत्तियाँ ज़रूर ले लें और इन 2 से 3 पत्तियों को मिक्सी में डाल दें और मिक्सी में डालने के बाद उसमें 1/2 ग्लास पानी डाल दें और पानी डालने के बाद इस जार को बंद करके और अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद ये एक जूस का रूप ले लेगा और इस जूस तैयार हो जाएगा तो इसको छन्नी की सहायता से आप छान लीजिए और छान करके इस जूस को धीरे धीरे आप बैठ करके पिए। पीने के बाद इसमें आपको 1 से 2 ग्लास पानी ऊपर से और पीना है, पानी की मात्रा ज़्यादा पीनी है। और यहाँ पर एक खास आपको बात बताना चाहूँगी कि पत्थर चट्टे का जूस आप जब भी लें तो खाली पेट सुबह ज़रूर लें। खाली पेट लेने से इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा और किडनी में होने वाली पथरी आपकी आसानी से बाहर निकल जाएगी। सुबह लेने के साथ साथ आपको शाम को भी खाली पेट इसको लेना है। अगर दोनों टाइम नियमित रूप से 1 से 2 माह तक कंटिन्यू लगातार लेते हो तो आपकी निश्चित रूप से आपकी पथरी बाहर निकल जाती है। दूसरा इन्ग्रीडियंट है गोखरू का जूस। गोखरू एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसका इस्तेमाल हमारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है। गोखरू एक ऐसी औषधि है जो यूरिन से संबंधित समस्याओं को भी दूर करती है, साथ में यूरिन की समस्या के साथ साथ ये हमारे किडनी में होने वाली पथरी को दूर करने की एक रामबाण औषधि है। गोखरू हमें साबुत भी देखने को मिलती है मार्केट में और इसका पाउडर फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तो आप अगर मार्केट से साबुत लेकर आते हो तो घर पर आकर के मिक्सी में इसका पाउडर फॉर्म तैयार कर लें, या मार्केट से यदि आप लेकर आते हो पाउडर फॉर्म में तो पाउडर फॉर्म में भी आपको रेडीमेड मिल जाएगी। आपको इसके लिए क्या करना है कि गोखरू का जूस इस तरीके से तैयार करना है आपको कि आपको 5 से 7 ग्राम गोखरू पाउडर को लेना है और उसको 1 ग्लास पानी के साथ, 1 से 1.5 ग्लास पानी के साथ आपको अच्छी तरीके से उबालना है। यदि आप 5 से 7 ग्राम गोखरू चूर्ण को नहीं समझ पा रहे हो तो एक अन्य तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि एक छोटा चम्मच जो है गोखरू पाउडर को आप ले लीजिए और गोखरू पाउडर को 1 से 1.5 ग्लास पानी के साथ उबालिए और उसके बाद अच्छी तरह से जब उबल जाए तो इसको थोड़ा गुनगुना होने दीजिए और गुनगुना होने के बाद इसको छान करके बैठ करके पी लीजिए। तो इस तरीके से जब आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हो 1 से 2 माह तक और सुबह के शाम खाली पेट आप लोगे तो ज़्यादा फायदा होगा और शाम के
समय पर आप खाली पेट लोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो दोनों टाइम अगर नियमित रूप से 1 से 2 माह तक यदि आप इसका प्रयोग करते हो तो आपकी निश्चित रूप से जो पथरी है वो थोड़े ही दिनों में बाहर टूट टूट करके निकल कर बाहर आ जाएगी। तीसरा है लौकी का जूस। लौकी के जूस के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और लौकी का जूस हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और साथ में किडनी के हेल्थ को भी बहुत अच्छा करता है और किडनी में होने वाली जो पथरी है उसको भी आसानी से दूर कर देता है। यदि लौकी के जूस को हम सुबह खाली पेट लेते हैं और लौकी के जूस में अगर हम नींबू का रस मिला देते हैं तो एक सिट्रिक एसिड का काम कर देता है। तो ये सिट्रिक एसिड लौकी के जूस में मिलकर के हमारा जब मिल जाता है तो यह हमारी किडनी में होने वाली पथरी को दूर कर देता है। ये जो 3 जूस बताए, इन तीनों जूसों को इकट्ठा कभी नहीं लेना। आपको ऐसा नहीं है कि आप पत्थर चट्टे का जूस भी उसी दिन ले रहे हो, लौकी का जूस भी उसी दिन ले रहे हो और गोकरू का जूस भी उसी दिन ले रहे हो। आप चाहे तो गोकरू का जूस अगर आपने आज ले लिया है सुबह शाम तो कल आप पत्थर चट्टे का जूस भी ले सकते हो, परसों आप लौकी का जूस ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अल्टरनेट फिक्स कर लें, अल्टरनेट डे पर भी ले सकते हो और चाहें तो आप पत्थर चट्टा के जूस को 1-2 महीने तक कंटिन्यू सुबह शाम ले हो, या फिर लौकी के जूस को भी कंटिन्यू सुबह शाम ले सकते हो, या फिर गोखरू के जूस को भी कंटिन्यू अगर आप लेते हो तो निश्चित रूप से आपकी किडनी में होने वाली जो पथरी है और यूरिन से संबंधित जो समस्या अगर आपको आती है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये थी समस्त जानकारी कि किडनी में होने वाली पथरी को आप इन 3 जूसों के द्वारा किस तरीके से बाहर निकाल सकते हो। यदि आपको वीडियो किसी तरीके से अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।